परीक्षा में पास होने के लिए पढ़ाई करने से आसान लोगों को नकल करके परीक्षा देना लगता है, लेकिन अब उत्तराखंड प्रतियोगी परीक्षा भर्ती में नकल की तो आप कानूनी कार्रवाई के फेर में फंस सकते हैं। जी हां, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून उत्तराखंड में लागू कर दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के देश के सबसे सख्त नकल विरोधी कानून का पहला मुकदमा दर्ज हो गया है। आपको बता दें कि उत्तराखंड प्रतियोगी परीक्षा भर्ती में नकल करने के अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के अंतर्गत ज्वालापुर में केस दर्ज कर लिया गया है। कोतवाली ज्वालापुर जनपद हरिद्वार में UKSSSC द्वारा आयोजित उत्तराखंड वन दरोगा भर्ती परीक्षा के परीक्षा केंद्र इंटर कॉलेज सीतापुर ज्वालापुर के केंद्र व्यवस्थापक दिनेश सिंह चौहान, प्रधानाचार्य राजकीय इंटर कॉलेज सीतापुर ज्वालापुर द्वारा शिकायत करने पर परीक्षा सेंटर पर एक परीक्षार्थी जिसके पास अंकित सैनी का एडमिट कार्ड था, परीक्षा केंद्र पर आए इस परीक्षार्थी के एडमिट कार्ड का मिलान परीक्षा उपस्थिति पंजिका तथा केंद्र सूची से किया गया। परीक्षार्थी का नाम राहुल सैनी अंकित था। सूचना तत्काल उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को दी गई। परीक्षा समाप्ति के बाद आयोग प्रतिनिधि पंकज सुंदरियाल व केंद्र व्यवस्थापक को पता चला कि अंकित सैनी नाम के व्यक्ति द्वारा अपने भाई राहुल सैनी के स्थान पर उत्तराखंड वन दरोगा भर्ती परीक्षा में सम्मिलित हुआ है, जिस पर उत्तराखंड प्रतियोगी परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय अध्यादेश 2023 अंकित सैनी पर मामला पंजीकृत, आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है। वन दरोगा परीक्षा हरिद्वार के विभिन्न सेंटर्स में आयोजित हो रही थी, जिसमें एक सेंटर सीतापुर ज्वालापुर क्षेत्र का है, जहां पर एक संदिग्ध छात्र केंद्र व्यवस्थापक को मिला। उसकी जांच करने के बाद पाया गया कि वह स्टूडेंट अंकित सैनी नाम का जो है अपने भाई के नाम पर वहां पर परीक्षा केंद्र पर था। उसका जो एडमिट कार्ड था और जो उसके द्वारा फॉर्म भरा गया था उसमें विभिन्नता पाई गई। इसको देखते हुए संदिग्धता के आधार पर आज मुकदमा ज्वालापुर में पंजीकृत किया गया और ये हरिद्वार में प्रथम मुकदमा उत्तराखंड प्रतियोगी परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम और निवारण के अंतर्गत पंजीकृत किया गया है। छात्र से पूछताछ की जा रही है, इसके बाद ही इसमें समस्त जानकारी हो पाएगी। लेकिन यह कठोर कानून जो अभी नकल अध्यादेश के रूप में अभी लाया गया था, इससे जो है इस तरह के जो अभियुक्त हैं या इस तरह के जो परीक्षार्थी हैं जो नकल करते हैं या नकल करते पाए जाते हैं या साथ ही साथ ऐसे कोई गैंग से जुड़े होंगे तो उसे कठोर से कठोर सजा का प्राविधान है और इसके तहत मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में।